हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रियलमी 12 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं और फ़ोन की रैम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं और इनक्रीज़ कैसे कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि रैम को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं रियलमी 12 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। इसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली अबाउट फ़ोन पे जाना है, अबाउट फ़ोन पे जाकर रैम ऑप्शंस पे चले जाना है। रैम ऑप्शंस पे जाकर फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और रैम को बढ़ा भी सकते हैं फ़ोन में। और आप देख सकते हैं कि सिंपली इस तरीके से इसको इंक्रीज़ करते हैं तो फ़ोन की जो भी रैम है आपके फ़ोन में इंक्रीज़ हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जिससे अपनी फ़ोन की रैम को इंक्रीज़ करके आप फ़ोन को परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। फ़ोन परफॉर्मेंस बेटर करके फ़ोन की आप चलाने की जो भी परफॉर्मेंस होती है, फ़ोन चलाने की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी जब आप रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। 6GB तक भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो भी आप इंक्रीज़ करना चाहें उस पर क्लिक कर देंगे तो रैम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से फ़ोन की रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ोन में, एंड आप चाहें तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं रैम। तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं और सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन की रैम आप बढ़ा सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।